हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में हमारे चैनल संदीप ऑफिशियल में। दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपको लोगों को बताएंगे कि यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन कैसे मंगाते हैं और सिल्वर प्ले बटन के लिए दोस्तों अप्लाई कैसे करते हैं और कितने सब्सक्राइबर पर सिल्वर प्ले बटन दोस्तों आपको मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप सभी के डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है और कैसे मिलता है। और हम आपको बता दें दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि सिल्वर प्ले बटन वाला जो क्राइटेरिया दोस्तों कंप्लीट हो जाता है जिस किसी यूट्यूबर का, तो उसके बाद में जो 8 या 10 दिन के अंदर यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आता है दोस्तों, मेल में, तो ईमेल आता है, ईमेल में आता है यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड का जो ईमेल आता है, वहां पर जो उसका कोड होता है दोस्तों, वहां से वो कोड कॉपी किया जाता है, तब अप्लाई जाके गूगल से अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों मेल नहीं आता है, तो आप बिना मेल के यूट्यूब प्ले बटन दोस्तों मंगा सकते हो, सिल्वर प्ले बटन आप बिना मेल के भी मंगा सकते हो, आपको बताएंगे इसी में। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हमारा देखो ये देखो सिल्वर प्ले बटन है दोस्तों, ये मेरा पहले इसका कोई मेल वगैरह नहीं आया था, फिर भी मैंने इसको मंगवा लिया था यूट्यूब से दोस्तों, और ये देखो हमारे घर पर आ भी चुका है। और ऐसे हमारे और दो सिल्वर प्ले बटन है दोस्तों, वो लगे हैं, तो वो उनको मैंने वहां लगा रहना दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये प्ले बटन आपके सामने में दिखा रहा हूं। तो मैंने इसको बिना ईमेल के दोस्तों मंगवाया है और देखो हमारे घर पर आ भी चुका है। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताएं दोस्तों, चाहे आप सिल्वर प्ले बटन आप मंगवाओ चाहे गोल्डन प्ले बटन दोस्तों, और दोनों का जो अप्लाई करने का जो तरीका दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा। तो मेरा ये तो आ चुका है सिल्वर प्ले बटन, तो हम आपको बता दें आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा जो एक स्माइल कपल दोस्तों शॉर्ट चैनल है उस पर 1 मिलियन से प्लस में दोस्तों सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आपके प्यार और सपोर्ट से। तो आपको सबसे पहले आपको थैंक यू, धन्यवाद। तो लगभग मैं उस चैनल को एक मिलियन से प्लस में वो चला गया है, तो अब उसका हम गोल्डन प्ले बटन दोस्तों अप्लाई करेंगे आप सभी के सामने। तो आप लोग देखना कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो आप लोग सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन दोस्तों मंगवा सकते हो इसी तरीके से, बिल्कुल बिना ईमेल आए हुए दोस्तों आपके सामने हम करेंगे। और हाँ, कुछ लोग तो वीडियो छोड़ने का मन कर रहे हैं, सोच रहे होंगे हम इस वीडियो को देखकर क्या करेंगे, हमारा तो यूट्यूब पर इतना सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अभी नहीं है तो किसी दिन आपका हो जाएगा। तो आगे के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ सीख लीजिए दोस्तों। जब हमारा कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि हमारा सब्सक्राइबर नहीं तो हम किसी का वीडियो नहीं देंगे दोस्तों, वीडियो देखने तो कुछ ना कुछ दोस्तों सीख तो मिलती है, आगे चल के हो सकता है कि आपका भी हो जाए सब्सक्राइबर, आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो जरूर होगा आपका एक दिन आपका सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन के लिए दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, ताकि आप लोगों अच्छे से कर सको जब भी आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो में ना देर करते, तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड, मैंने अपने फ़ोन को ऑन कर लिया है, अब यहाँ पर अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर गूगल दोस्तों, गूगल को ओपन करना है। तो गूगल को ओपन कर लिया, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, आपको जिस ईमेल आईडी से दोस्तों आपका चैनल लॉगिन हो, जिससे आपने अपना चैनल जिस ईमेल आईडी से आपने अपना चैनल बनाया हो, तो दोस्तों उसी को पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेना। ये देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो फोटो दिख रहा है यहाँ पर कोने पर, तो ये हम इसी ईमेल से दोस्तों मैंने अपने चैनल को बनाया था, वही वाला यहाँ पर मैंने लॉगिन भी कर लिया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड। तो दोस्तों मैंने पहले से सर्च किया हुआ है यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, तो यहाँ पर मैं इसको टच कर देते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ जाता है यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड दोस्तों। यहाँ पर देखो प्ले गोल्डन और सिल्वर प्ले दोनों बटन के लिए दोस्तों सेम, इसका एक ही अप्लाई करने का तरीका होता है, इसलिए दोनों एक ही बार में आ जाते हैं। तो अब करना क्या आपको, यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड पर टच कर देना है। अब यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड को टच कर दिया दोस्तों, अब आपको धीरे धीरे ऊपर ऐसे ही बढ़ाना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे और बढ़ाना है और ऊपर ले जाना है इसको आप अच्छे से, और इसको ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देख लो, इंटरेक्टिव इजिबिलिटी चेक, तो इस पर आपको क्या करना है, इस पर टच कर देना है। यहाँ पर टच करते ही दोस्तों कुछ ऐसा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर कर देना है। अब फिर से एक बार यहाँ पर इसको देख लेते हैं, फिर से आपको यहाँ पर एक बार कंटिन्यू पर कर देना है। अब यहाँ पर नीचे देख रहे हैं क्या आ रहा है, हाँ अब यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, आपके YouTube चैनल का जो URL है दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करने को आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर अपने YouTube चैनल का जो URL है दोस्तों यहाँ पर यहाँ डालने के लिए आ रहा है यहाँ पर,
तभी आपको यहाँ पर बढ़ेगा। तो अपने YouTube चैनल का जो URL है दोस्तों, वो कॉपी कैसे करते हैं, अब इसको इस पेज को दोस्तों यहाँ पर सीधा डायरेक्ट छोड़ देते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ हटा दिया इस पेज को दोस्तों, ये खुला रहने देना। अब करना क्या है आपको, सीधा अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है दोस्तों। अब आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पर अपना जो क्रोम ब्राउजर ओपन करते ही दोस्तों अपना यहाँ पर सर्च करना है YouTube.com। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा YouTube.com मैंने सर्च किया। अब YouTube.com सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है अकाउंट, अब इस अकाउंट वाले पर टच कर देना है। अब यहाँ पर फिर से आपको क्रोम वाले पर टच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा ये देखो YouTube Y2 Studio Chrome ब्राउजर में ओपन होके आ रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोफाइल आपका दिख रहा है YouTube चैनल का, इस पर टच कर देना है। अब इस पर टच करते ही अब का क्या करना है आपको, यहाँ पर व्यू योर चैनल जो नीले नीले कलर का आ रहा है, इस पर टच कर देना है। हमारा अंगूठा कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इसीलिए दोस्तों, हाँ व्यू योर चैनल। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यानी कि कस्टमाइज चैनल, अब इस पर टच कर देना है कस्टमाइज चैनल पर। अभी आपका Y2 स्टूडियो में ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर में दोस्तों। अब ये Y2 स्टूडियो में दोस्तों ओपन होके आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ आप अच्छे से देखिए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल का जो URL है दोस्तों, वो कॉपी करने के लिए अब यहाँ पर ये देख रहे हो ये पेंसिल सी यहाँ पर चारों तरफ रेड रेड कलर का जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, ये इस पर टच कर देना है। तो इस पर मैंने टच किया इस पेंसिल पर, और इस पर टच करके अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे टच कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने किया बेसिक इन्फॉर्मेशन पे टच कर दिया। अब यहाँ पर देख लो आपके चैनल का दोस्तों जो URL है, यहाँ पर देख लो चैनल URL, इस चैनल URL को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर ये देखो कॉपी वाला बटन आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये गोल गोल ये आइकन, इस पर टच कर देना है आपको। यहाँ से ये कॉपी हो गया है दोस्तों। अब क्या करना है, अब तो ये मैंने अपने चैनल का URL दोस्तों कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, इस पेज को हटा देना सीधा। अब फिर से अपने गूगल वाले ब्राउजर पर चला जाना है वहीं पर। अब वही वाला जो अभी कॉपी करके ले आए हैं दोस्तों, वो वाला यहाँ पर अब क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर URL दोस्तों मैंने चैनल का यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ को डन कर देना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर देना दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर कंटिन्यू किया तो अब आपके सामने ये कुछ ऐसा पेज दोस्तों खुलकर आ गया, गेट ए यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड। अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आप लोग लिखा है यहाँ पर सिल्वर अवार्ड, यहाँ पर देखो सिल्वर प्ले बटन का फोटो आ रहा है लगकर, और उसके नीचे यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस दोस्तों लिखकर आ रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ ये आपके लिए दोस्तों ये मिल जाएगा आपको तो, और इसको थोड़ा आप क्या करते हैं ऊपर। आपको बता दें दोस्तों ये 1,00,000 सब्सक्राइबर होने पर ही दोस्तों मिलता है, उसके बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों, ये नहीं आएगा तब तक। और क्या करते हैं आपको हम बता दें, ये तो हम तो मंगा चुके हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना है और ऊपर थोड़ा करना है। तो ये गोल्डन प्ले बटन दोस्तों, ये देखो हमारा 1,000,000 हो चुका है, इसलिए हमारा ये गोल्डन प्ले बटन वाला ये दोस्तों यहाँ पर छप कर आ रहा है। यहाँ पर देखो कांग्रेचुलेशंस लिख कर आ रहा है, क्योंकि हमारा 1,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगर आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर रेडी माई अवार्ड पर टच कर देना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाला कॉपी कर लेना है इस पर ऐसे थोड़ा दबा के। अभी हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, इसका थोड़ा ऐसा दबा के थोड़ा देर दबाए रखना है, और यहाँ पर इसको क्या करना है कॉपी कर लेना है अगर आपको सिल्वर प्ले बटन चाहिए तो। तो दोस्तों ये तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें तो चाहिए क्या, गोल्डन प्ले बटन, क्योंकि हमारा 1,000,000 हो गया इसीलिए। तो इसको हम वहाँ पर अब ऐसा ही छोड़े देते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा और उसको ऊपर करते हैं। अब इसको सबसे पहले इस कोड को दोस्तों कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉपी वाला बटन आ रहा है, इस पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको। और कॉपी करके आपको बता दें, आपको ये रिडीम्पशन जो कोड है दोस्तों, ये कभी किसी को दिखाना मत, ना ही किसी को देना दोस्तों। अगर ये दे दिया आपको आपने किसी को, तो आपके चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अब रिडीम माय अवार्ड दोस्तों, इस पर टच कर देना है। सेम सिल्वर प्ले बटन के लिए सेम यही प्रोसेस आएगा दोस्तों अप्लाई करने के लिए। तो इस पर हम टच करते हैं,
तो इस पर टच करते ही थोड़ी देर के लिए दोस्तों ये अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है इस वजह से। तो अब आप लोग देख सकते हो क्रिएटर अवार्ड से, देखो यहाँ पर ये देखो गेट रेडी टू सेलिब्रेट यहाँ पर लिखकर आ रहा है दोस्तों। अब थोड़ा उसको और ऊपर ऐसे करेंगे, अब ऊपर करेंगे यहाँ पर, अब देखो क्या लिख रहा आ रहा है यहाँ पर, इंटर योर रिडेप्शन कोड दोस्तों। अभी जो मैंने वहाँ पर कॉपी किया था वही इसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इसको दबाए रखना है, यहाँ पर इस पर टच करना है, दबा क्या रखना है इस पर टच करना है और इस पर थोड़ा दबा के यहाँ पर, अब ये देखो पेस्ट के लिए आ गया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो वही वाला कोड दोस्तों यहाँ पर पड़ गया है। अब किस इसको क्या करना है, सीधा रेडीम अवार्ड पर कर टच कर देना है इसको। रेडीम अवार्ड पे टच कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ये देखो यहाँ पर गोल्ड क्रिएटर अवार्ड दोस्तों लेकर आ गया है, क्योंकि हमने ये गोल्डन प्ले बटन के लिए हम दोस्तों, और यहाँ पर यूट्यूब चैनल नेम, यहाँ पर यूट्यूब चैनल दोस्तों आपके जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो अपना यहाँ पर डाल देना है। तो हमारे चैनल का नाम है स्माइल कपल, तो यहाँ पर हम स्माइल कपल, तो यहाँ पर मैंने स्माइल कपल डाल दिया दोस्तों। स्माइल कपल नाम से हमारा चैनल है तो इसीलिए। उसके बाद मैं आपको अब क्या करना है, थोड़ा ऊपर करना है इसको। अब यहाँ पर अपर व्यू एंड चेकआउट दोस्तों, अब इस पर टच कर देना है यहाँ पर नीले बटन पर। अब फिर से यहाँ पर बता रहा है फिर से इसको करने के लिए, फिर से यहाँ पर हम नीले वाले पर टच कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बता रहा है अपना ईमेल एड्रेस डालने के लिए दोस्तों। आपने जिस ईमेल से अपना चैनल बनाया हो वही डाल सकते हो अपना, यहाँ पर वही डालना है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जीमेल एड्रेस दोस्तों डाल दिया, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर पूरा डाल दिया है। करना क्या आपको, यहाँ पर देखो सेम अपना ईमेल आईडी इस वाले बॉक्स में भी डालना है दोस्तों, सेम ये वाला सेम यहाँ पर भी। तो मैंने सेम सेम दोनों जगह डाल दिया दोस्तों। अब करना क्या आपको, अब थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है अपने कंट्री का नेम सिलेक्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर अपनी कंट्री इस पर टच करते हैं। अब यहाँ पर अपनी जो भी कंट्री है दोस्तों उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी तो इंडिया, तो दोस्तों इंडिया सिलेक्ट करेंगे। कहाँ है इंडिया, इंडिया थोड़ा और ऊपर करके इसको दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं जल्दबाजी में नहीं करते, क्योंकि जल्दबाजी में आपको लोगों को समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर देखो हमारा इंडिया आ रहा है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, इस इंडिया वाले पर दोस्तों टच कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंडिया दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लो आधार कार्ड, यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड मांग रहा है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का जो एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ पर फिल करने को बोल रहा है, यहाँ पर वो अपना यहाँ पर डालने को बता रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नेम पर आपके जो आधार कार्ड पर नाम है दोस्तों वो यहाँ पर डालना है अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, नाम के आगे जो लगाते हो यहाँ पर वो सेकेंड नेम पर आता है। जैसे हमारा नाम संदीप है तो यहाँ पर संदीप लिख देंगे, यहाँ पर कुमार लिख देंगे। जो सेकेंड नेम में दोस्तों जो आगे होता है, जैसे नाम के आगे चाहे साक अपनी बिरादरी कुछ भी लगाते हो वो अपने यहाँ पर डाल देना है। अब कंपनी नेम वाली जगह पर दोस्तों अपने चैनल का नाम डाल देना है। स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस में दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में जो अपना एड्रेस है, जो आपका पता है दोस्तों वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर कैसे डालना है, आपको अपने गांव का नाम दोस्तों, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पर अपने जिला का नाम दोस्तों, और यहाँ पर सिटी लिखा है यहाँ पर भी अपने जिले का नाम डाल देना, जो भी आपकी सिटी है सिटी का नाम डाल देना। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्टेट दोस्तों लेकर आ रहा है, यहाँ पर अपने स्टेट का यानी कि जो राज्य है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना पोस्टल कोड दोस्तों, जो आपके पोस्ट कोड जो होता है दोस्तों वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर बाट नंबर आ रहा है लेकर दोस्तों, आप बाट नंबर की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। अब नीचे आपका आधार नंबर लेकर आ रहा है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो हम पूरा यहाँ पर अब इस एड्रेस को दोस्तों फिल कर देते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पूरा पता दोस्तों भर दिया, अपना जो भी आधार कार्ड पर है दोस्तों वो अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट नेम पर मैंने अपना नाम डाल दिया है संदीप, अब सेकंड नेम पर दोस्तों हमारा जो कुमार लगता है मैंने कुमार डाल दिया लास्ट में। अब यहाँ पर कंपनी नेम की जगह दोस्तों अभी स्माइल कपल मैंने डाल दिया है। स्ट्रीट एड्रेस में दोस्तों अपना यहाँ पर गाँव का नाम डाल दिया, यहाँ पर अपना पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस है दोस्तों उसका नाम डाल दिया यहाँ पर, और जो थ्री वाला है जो यहाँ पर मैंने अपने ज़िला का नाम डाल दिया है डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, और यहाँ पर सिटी वाले में भी अपना ज़िला का नाम डाल दिया क्योंकि हमारा ज़िला हमारा सिटी एक ही है, और यहाँ पर स्टेट दोस्तों, यहाँ पर स्टेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर अपना जो राज्य होता है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो मैंने अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया। और यहाँ पर जिप पोस्टल कोड की जगह पर आपका जो पोस्ट कोड होता है दोस्तों यहाँ पर वो मैंने डाल दिया अपना, यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना डाल दिया है, वार्ड नंबर यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर सबसे नीचे है जो आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर सीधा नेक्स्ट पर टच कर देना है आपको। अब यहाँ पर पूरा आपका कन्फर्म करने के लिए आ रहा है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है यहाँ पर इसको टच कर देना, यहाँ पर ये देखो नीला नीला सा बिंदु आ गया, आप क्या करना है यहाँ पर इस पर टच कर देना है यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हो कुछ देर के लिए आप यहाँ पर थोड़ा ऐसा प्रोसेसिंग चलेगा, अब यहाँ से देख सकते हो अब यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस जो डाला था अपना जो आधार कार्ड का दोस्तों यहाँ पर लिखकर आ रहा है पूरा पूरा एड्रेस, अब यहाँ पर लिखकर आ रहा है प्लेस ऑर्डर। तो क्या करते हैं यहाँ पर अपना देख लीजिए एक बार, यहाँ पर अपना जो अपने एड्रेस वगैरह डाला है वो कन्फर्म है या नहीं है, तो हमारा पूरा कन्फर्म। अब क्या करते हैं इसको प्लेस ऑर्डर पर दोस्तों टच कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर योर लीगल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है पूरा फुल। तो हमारा यहाँ पर संदीप कुमार मैंने डाल दिया है। अब करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, अब बोल रहा है कन्फर्म, अब यहाँ पर क्या करना है, नाम अपना यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है इस पर टच कर देना, इस पर जब टच किया तो दोस्तों यहाँ पर नीला नीला सा यहाँ पर सही का निशान आ गया है लिखकर। अब क्या करना है आपको, थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा नहीं यहाँ पर ये पूरा है। अब क्या करना है आपको, कन्फर्म प्लेस ऑर्डर, तो अब कन्फर्म हो गया, तो अब क्या करना है कन्फर्म प्लेस ऑर्डर पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर देख ले हो आप लोग, देखो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो गोल्डन प्ले बटन है दोस्तों वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो सिल्वर प्ले बटन है सेम प्रोसेस यही है अप्लाई करने का दोस्तों, इसी तरह आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर नंबर है ये, और ये यहाँ पर बता रहा है आपका 1 से 2 वीक लग सकते हैं, यानी 1-2 हफ्ता लग सकते हैं इसको आने में, चाहे आपका सिल्वर प्ले बटन हो या चाहे आपका गोल्डन प्ले बटन हो। तो अब इस पेज को आपको हटा देना है दोस्तों। अब क्या करते हैं आपको हम दिखा देते हैं मैंने अपने किस चैनल का ये जो गोल्डन प्ले बटन दोस्तों अप्लाई किया था है, तो उसी चैनल को हम ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा देखो स्माइल कपल चैनल आ गया है, इस पर हमारे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 मिलियन से भी प्लस में हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर दोस्तों कम्प्लीट हो चुके हैं, आपके प्यार और सपोर्ट से आप लोग देख सकते हो। तो इसी का दोस्तों मैंने अपना जो गोल्डन प्ले बटन है दोस्तों मंगवाया, यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं अपना, सिर्फ ये शॉर्ट वाला हमारा चैनल है दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे के सारे शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं इस चैनल पर। तो आप लोग भी इसी तरीके से दोस्तों अपना सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना ईमेल आए हुए दोस्तों। तो अभी आप लोगों के सामने मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से दोस्तों अपना जो गोल्डन प्ले बटन है अप्लाई करके दोस्तों दिखाया, बिल्कुल एकदम लाइव करके एक एक करके दोस्तों। और मैं किसी भी वीडियो में कोई स्क्रीन रिकॉर्ड का दोस्तों प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वहां से कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये किस पर टच कर रहा है, किस पर क्लिक कर रहा है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम सीधा सीधा अपना दूसरे फोन में दोस्तों बिल्कुल करके दिखाते हैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। और दोस्तों हर वीडियो में अपनी सिंपल और साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी भाषा समझ सको इसीलिए। और कुछ 1-2 भाई हैं वो कमेंट अभी कर रहे थे हमारी पिछली वीडियो में दोस्तों, वो बोल रहे थे यार इससे तो अच्छा हम वीडियो बना लेते हैं, हम इससे अच्छा तो हम बोल लेते हैं, बहुत कुछ बोल रहे थे। तो भाई देखो आप हमसे अच्छा बोल लेते हो, आप हमसे अच्छा लोगों को सिखा लेते हो, तो अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो अपना जैसे भी कुछ बोल पाता हूँ, जैसे कुछ सिखा पाता हूँ, तो वैसे ही सिखा रहा हूँ। जिनको वीडियो हमारा अच्छा लगता है वो हमारा वीडियो देखते हैं, और बस उन्हीं के लिए हमारा वीडियो है जो हमारी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं,
और ऐसा नहीं है कि हाँ अगर अपने आप को जो लोग स्मार्ट बनते हैं बोलने चालने में तो वो हमारी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि भाई हम तो इतने स्मार्ट है नहीं बोलने में, इसीलिए क्योंकि हम तो अच्छे से और धीरे से आराम से समझाते हैं सभी को। ऐसा नहीं एकदम ट्रेन जैसा एकदम रेलगाड़ी जैसा निकाल दिया, इधर से इधर निकाल दिया, इधर से इधर निकाल दिया, तो भाई ऐसा नहीं हम करते हैं। देखो अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो ऐसे तरीके से बनाओ जो लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।